नमस्कार हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर की जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रवियों ने दंगा किया था, जो पत्थर बरसाए थे, उन पत्थरों का अगर एक आकलन किया प्रशासन ने तो वो थे 4 ट्रक पत्थर। तो वहीं अगर हम इस पत्थरबाजी का पूरा मास्टरमाइंड की बात करें, जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप केप की बात करें, तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड यही था। और इसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। हम बता दें, प्रशासन के द्वारा बता दें कि जिस तरह से प्रयागराज में पुलिस ने कार्रवाई की, बुलडोजर चला, पत्थरबाजी का जो मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा मास्टरमाइंड था पत्थरबाजी की, पूरी इसी ने घटना को चक्रव्यूह को रचा था, और इसी ने ही बच्चों को आगे झोंका था, हम बता दें पत्थरबाजी में। और इसका मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और महाबली ने इसके मकान को बिल्कुल धूल चटा दी। एक कहीं ना कहीं प्रयागराज में सबक बन गया है दंगाइयों के लिए। और जिस तरह से योगी का बुलडोजर प्रयागराज में घूम रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दंगाई पहले से ही सचेत हो रहे हैं, जिन्होंने दंगा में जो दो पत्थरबाजी में रहे वे अपने मकान खाली खुद करने लगे हैं, अपनी दुकान खुद खाली करने लगे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि योगी के बुलडोजर से बचना मुश्किल है, क्योंकि दंगाइयों को छोड़ना कतई नहीं है। दंगाइयों की जो सही जगह जेल की सलाखें हैं उन तक पहुंचाना पुलिस का कार्य रहेगा। और योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा संदेश व चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर कोई दंगे के लिए फन उठाता है, उसका फन कुचल दिया जाए। और वहीं अगर हम नूपुर शर्मा की बात करें, तो नूपुर शर्मा के पक्ष में उतरे उत्तर प्रदेश में लोग जगह जगह। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा के पक्ष में उतरे, जहां नूपुर शर्मा का विदेशों में विरोध हो रहा था, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो हिंदुस्तान में अब नूपुर शर्मा के पक्ष में लोग उतर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक द्वारा ललितपुर पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक तनाव शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए पुलिस लाइन थानों में ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीनों को वितरण किया, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रह सके। तालबेट की खबरों पर एक नजर डालते हैं। तालबेहट में खाद्य सुरक्षा की जो टीम है, तो वहीं उनके द्वारा एक बैन लाई गई, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो मिलावटखोर हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए ये बैन। उनके लिए तो ये दुखदाई है, पर आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं इन जानलेवा मिलावटी खाद्य पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सुरक्षा के अधिकारियों की बात करें तो उनमें हरि मोहन श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार साहू, खाद्य विश्लेषक अनूप विनोद सिंह उपस्थित रहे। तो वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय किशोर सोनी अपने व्यापारियों के साथ भी मौजूद रहे, वहीं नमूने चेक करें। तो आपका नाम सर? मेरा नाम हरि मोहन श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट। जी जी जी, ये जो बैन चलाने इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रयोगशाला मोबाइल प्रयोगशाला भेजी है, जो बाजारों में जा करके लोगों के घरों में जा करके इनके जो खाद्य पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सके, और लोगों को हम पता जागरूक कर सके कि आपका ये खाद्य पदार्थ क्या है, ये गुणवत्तापूर्ण है। सेफ्टी मतलब हम बता दें, खाद्य सुरक्षा के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग शुद्ध खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें, इसके लिए कुछ अधिकारी जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अनूप चंद्रा। डॉक्टर अनूप चंद्रा जी, आप जो ये गाड़ी लिए हैं, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसके माध्यम से यही संदेश है कि आप जो पब्लिक है, हम जनमानस को जो है अवेयर करना चाहते हैं, तो जन जागरूक करना चाहते हैं कि भाई कोई मिलावटी चीज ना ले, हम कोई रंगीन पदार्थ के कोई ऐसे जो कि जो हानिकारक हैं उसको ना पिए ना लें। दूध है इसमें, हमारी मोबाइल वैन जो है ये पब्लिक के लिए है, और हमारा उद्देश्य ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस फैले, जिससे कि जो है जो अपमिश्रित जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो खराब जो खाद्य पदार्थ है उसको लोग अवैध। चंद्रभूषण पाठक द्वारा तालबेहट के रामलीला मैदान में श्री राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। हम बता दें, भारी संख्या में श्रद्धालु श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं
चंद्रभूषण पाठक ने किस तरह से लोगों को राम कथा में अपनी राम कथा से लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो कुछ करूंगा आपके भरोसे करूंगा। तो राम जी ने सोचा कि जब हमारे भरोसे करना है तो फिर तुम्हें परेशान क्या करूंगा। अब हम बेतवा की बस की बात करते हैं कि बेतवा की बस समय वही वक्त वही जगह वही पर खड़ी भी वही पर प्रशासन की नजर अभी तक नहीं पहुंची। क्या होगा आखिर कुछ भी हो परिणाम पर हमारी जो पहल है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी जब तक तालबेट वासियों को इस बेतवा की दबंगई गुंडई जिस तरह से बीच सड़क पर खड़ा होना कोई आवाज़ नहीं उठाने के लिए तैयार लेकिन हजारिया टाइम्स आवाज़ उठाता रहेगा जब तक कि दुर्घटना हो सकती है कभी भी ऐसी जगह बस खड़ी होती है। हालांकि दुर्घटना अभी नहीं हुई होने की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं लेकिन हो ना हम ये भी कह सकते हैं लेकिन अगर ये बस यहाँ खड़ी रही तो कहीं ना कहीं भविष्य में एक बड़ी दुर्घटना जरूर होगी क्योंकि अब देख रहे हैं मॉनिटर स्क्रीन पर कितना व्यस्तम रोड है और ये जो बस है इसकी जो ड्राइवर की गुंडाई भी दिखाएंगे आज हम क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह ने हमारे जो दर्शक हैं हमारी खबर को देखने के बाद पुष्पेंद्र सिंह ने एक वीडियो हमें भेजा है और पुष्पेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज की है कि उनका कहना है कि इसका जो ड्राइवर है ये बस काफी लापरवाही से बस चलाता है और एक हाथ से मोबाइल तो एक हाथ से बस की स्टीयरिंग हाथ होती है इसके हाथ में और इस दमंग ड्राइवर तो अगर दमंग बस है तो दमंग ड्राइवर कंडक्टर होंगे इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मालिक की दमंगई का तो फिर अंदाजा ही क्या लगाना कि पुलिस भी है तो कार्रवाई करने से कतराती है। आखिर इस बस में ऐसा क्या है क्या तानाशाही है कि पुलिस की कार्रवाई करने से पहले भी लोग सोचते हैं। लोग अगर इनका विरोध करें तो विरोध भी करने से पहले 100 बार सोचते हैं पर है कि अगर बस जिस तरह से हम देखें दिखाई दे रहे मॉनिटर स्क्रीन पर देखिए खड़ी हुई है उस दिन भी हमने इस कार को चलाया था आज भी चला रहे हैं और चलाते भी रहेंगे जब तक कि यहाँ से जिस जगह इसकी खड़े होने लायक है उसी जगह ही बस का स्टॉपेज होना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सीधा सी हमारे प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अतिक्रमण व सड़क पर खड़े हुए वाहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाए। बस तालबेट का प्रशासन तो बर्दाश्त भी कर रहा है देख भी रहा है और देखकर इस तरफ से मुंह मोड़ कर भी चला आ रहा है पर इस पर पुलिस की कब नजर पड़ेगी कब कार्रवाई होगी इसका हमें इंतजार रहेगा पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हमारी खबरें चलती रहेंगी लोगों के जनहित में क्योंकि ये बस जिस जगह खड़ी होती है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इससे इनकार नहीं किया सकता। लोग दबी जुबान से कहते हैं पर कोई विरोध नहीं करता है इस बस मालिक की ताकि इसकी बस क्या तालबेहट वासियों को इतना खौफ है इस बस का कि इस बस से कहने की कोई जहमत नहीं उठा। आदमी गुजरते हैं उस समय जब ये बस खड़ी रहती किसी की हिम्मत नहीं है कि बस वाले से कह जाए कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं जगह आपकी नहीं। हालांकि कहने की बात तो ये पुलिस का काम है पर एक जागरूक नागरिक का भी काम होना चाहिए। पर हम बता दें कि ये जो हमारे पुष्पेंद्र जो हमारे दर्शक हैं उनकी फोटो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस बस में सफर कर रहे हैं बस की फोटो है देखिए और किस तरह से बस का ड्राइवर इनसे बस सलूकी कर रहा है इस चीज को हम मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और पूरे वाक्यात को सुना रहे हैं। पर हम बता दें कि बस की गुंडई बेतवा की गुंडई ये जो शाम का समय 6:25-6:20 का समय पेट्रोल पंप तेरा व्यस्तम एरिया फिर भी ये बस यहाँ पर खड़ी रहती है किसी की नहीं पहुंचती है नजर देखते रहते हैं पर अनदेखी करके निकल जाते हैं। हादसे का कर रहे हैं इंतजार हमें भी रहेगा इंतजार कि कब यहाँ से बस की जो इसकी यथावत जगह खड़ी होने की है वहाँ खड़ी हो क्योंकि सवारियों के चक्कर में बीच रोड पर बस को लगाना किसी की जिंदगी को दांव पर लगाना चंद रुपयों के लिए शायद ये अच्छी बात नहीं है। पर प्रशासन कब चेतता है पुलिस की नगाह कब जाती है कि कार्रवाई कब होती है इस पर हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल अगर कभी किसी के पास कोई ऐसा वीडियो हो कि किसी भी बस वाले द्वारा उनके साथ दास्ती की गई उनके साथ गुंडाई की गई तो उसको हम तक जरूर भेजिए हम आपकी खबर को पूरी निर्भीकता से पूरी निष्पक्षता से दिखाएंगे। ये पुष्पेंद्र के द्वारा भेजा हुआ वीडियो है जो कि पुष्पेंद्र से हमारे तेरे फाटक के हैं और वो इस बस में सफर कर रहे थे उनके साथ बस सलूकी हुई उनकी बस सलूकी हुई और उस बस सलूकी को हमने आपको दिखाया है और ऐसी भी कोई खबर है तो हम दिखाते रहेंगे लेकिन आप लोगों को ये फर्ज बनता है कि ऐसे बस वालों को जो गुंडाई करते हैं इनको सबक सिखाने का शायद और आप लोग भी अगर आए आगे आए तो कम नहीं होगा
क्योंकि एक आदमी के साथ अन्याय हुआ है तब तुम्हारे साथ भी होगा। अगर हम इसी तरह विखटित रहे तो कहीं ना कहीं कोई भी इसकी सिक्योरिटी कंजे में आएगा और सभी के साथ एक गुंडई होती रहेगी। सभी लोगों के साथ बस सलूक करते रहेंगे दमंग बस के दमंग स्टाफ। आप देखना है क्या कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन या बस यही खड़ी रहती है। कभी भी हो सकता है हादसा, कब नजर पड़ती है इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हम आपसे वादा करते हैं जब तक ये बस डेंजर जोन से नहीं हटती है तब तक खबरों को प्राथमिकता से निरंतरता से प्रकाशित किया जाएगा। वहीं आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप अपने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। फिलहाल YouTube पर जाकर हमारी खबरों से लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय एक नई खबरों के साथ। जय हिंद।